बीघा तो पिछले वित्तीय वर्ष का यह भी चालू वित्तीय वर्ष में आवंटन नहीं प्राप्त होने के कारण हम लोगों को काफी कठिनाई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पहले जब भी मिले हैं तो उस समय में हम लोगों की जो सबसे बेसिक मुद्दा था वो हम लोगों का समायोजन का था। तन जैसे क्लियर होता है, इसके बाद हमने कहा कि एक बात उन्होंने और बताया कि अनुपालन भी जो मंत्रिपरिषद से जो पारित हुआ है वो भी मैं करता हूँ। करबद्ध होकर के अनुरोध करते हैं कि अब हम लोगों को 14 साल हो गया, अब संविदा नहीं, अब हम लोगों को परमानेंट का दर्जा दे दिया जाए, हम लोगों को नियमित कर दिया जाए और हमारा भी जिंदगी को संवार दिया जाए। एक दिन का काम दूसरे दिन करना पड़ता है, इसलिए हमने यह भी अनुरोध किया कि यह धरना प्रदर्शन रोज रोज घूमेंगे नहीं सर, आप ऐसा करें कि, तो बोले कि नहीं ठीक है मैं जाता हूँ, मैं अपने काम को करता हूँ, आप अपना काम को करें। नौकरी बचा के हम लोगों को बहुत बहुत मेहरबानी हमारे ऊपर किए हैं, लेकिन हम लोग अब ये चाहते हैं कि आप दो तरह का ना करके हमें भी पूर्ण सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए हमारा जिंदगी को भी संवार दे। नमस्कार, एच डी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के सरकार से गुहार लगा रहे हैं डीआरडीए कर्मी। हमारे साथ इस वक्त डीआरडीए कर्मी है जो मंत्री इरफान अंसारी के आवास पहुंचे। हालांकि इरफान अंसारी से मुलाकात हुई और आश्वासन भी मिला। क्या कुछ डीआरडीए कर्मी कह रहे हैं जानते हैं। देखिए, आज आप लोग, पहले एक वक्त था जब पूर्व में जो ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री थे आलमगीर आलम, वहां पर हमारी मुलाकात होती थी और कहीं ना कहीं आपकी मांगों को समझा गया और उस पर विचार किया गया। लेकिन एक बार फिर से आप लोग गुहार लगाने के लिए मंत्री इरफान अंसारी के दरवाजे पर पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं आश्वासन भी मिला आप लोगों को। एक्चुअली हम लोग पहले जब भी मिले हैं तो उस समय में हम लोगों की जो सबसे बेसिक मुद्दा था वो हम लोगों का समायोजन का था। 1/4/2022 के बाद से केंद्र से हम लोगों को अस्तित्व को खत्म कर दिया गया था, जिसे अब हम लोग आज के डेट में जो आए हैं यहाँ पे, तो आज हम लोग आभार व्यक्त करने के साथ साथ अपनी कुछ कुछ जो समस्याएं और भी हमारा बेहतर हो सकता था उसी के लिए आए हैं। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी 10 साल से ऊपर की 14 साल की सेवा हो गई है, तो इसी से हम लोग मंत्री जी से गुहार लगाने आए थे कि आपने हमारा जो है नौकरी बचा के हम लोगों को बहुत बहुत मेहरबानी हमारे ऊपर किए हैं, लेकिन हम लोग अब ये चाहते हैं कि आप दो तरह का ना करके हमें भी पूर्ण सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए हमारा जिंदगी को भी संवार दे। ये हमारा पहला मुद्दा था। और दूसरा मुद्दा, चूंकि इस समायोजन के चक्कर में विगत वित्तीय वर्ष 2022 से ही ये प्रक्रिया चली आ रही है, तो विगत वित्तीय वर्ष से लेकर के और इस वित्तीय वर्ष का अभी तक हम लोगों को आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे हम लोगों का आर्थिक स्थिति बहुत दिक्कत में आ गई है। और ये दो डिपार्टमेंट, पंचायती राज और ग्रामीण विकास के बीच का मामला है, इसीलिए हम लोग मंत्री जी से आके मिले कि आप लोग जो है इस समस्या का हमारा जल्दी से जल्दी समाधान करके हमें आवंटन उपलब्ध कराएं। और साथ में हम लोगों का जो भी समायोजन किया गया है जिला परिषद में, उसके लिए हम लोग मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और पूरे झारखंड सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही करबद्ध होकर के अनुरोध करते हैं कि अब हम लोगों को 14 साल हो गया, अब संविदा नहीं, अब हम लोगों को परमानेंट का दर्जा दे दिया जाए, हम लोगों को नियमित कर दिया जाए और हमारा भी जिंदगी को संवार दिया जाए। क्या कितने अस्वस्थ हुए आपको? अस्वस्थ हैं, पूरी तरह से अस्वस्थ हैं कि काम तो होना ही है। अभी तो फिलहाल जो हम लोग चाह रहे हैं कि वेतन हम लोग का जो लंबित था उसको आज जैसा मंत्री जी ने कहा मुझसे कि मैं जाकर के देखता हूँ और इसका वेतन का क्लियरेशन कराता हूँ। तो वेतन जैसे क्लियर होता है, इसके बाद हमने कहा कि एक बात उन्होंने और बताया कि अनुपालन भी जो मंत्रिपरिषद से जो पारित हुआ है वो भी मैं करता हूँ, थोड़ा सा मुझे समय दिया जाए। समय तो मेरे पास कम है, लेकिन फिर भी मैं इसी प्रयास में उसको करने वाला हूँ। और हमने जो अनुरोध किया कि हम लोग को भी नियमितीकरण कर दी जाए, और जो अभी फिलहाल कम से कम जो आप दे रहे हैं वहाँ पर आपने मुझे अनुबंध पे रखा, वो अनुबंध शब्द हटा करके, ये चूंकि उन्हीं के उद्घोषण में था और उन्हीं के इसमें था, इस कारण से हमने कहा कि भाई वो हटा करके जो आप जिला परिषद को दे रहे हैं आप वो हमको भी दे दें। फिलहाल हम लोग इससे भी खुश हैं और हम आपके साथ हैं, आभार है इस बात का। और हम बहुत ये अपने आप को गौरवान्वित समझ रहे हैं कि फिर से हमारी सरकार आ गई है और जिन्होंने हम लोगों को खड़ा कर दिया, जिसने हमको हटाया था, जिसने फिर से लाके खड़ा कर दिया, पूरा का पूरा उनको दिल से, तहे दिल से, जितने भी डीआरडीए कर्मी हैं सभी की ओर से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री को विशेष आभार है, उनके पहल से हम लोगों का कार्य हुआ है। अभी नए में माननीय मंत्री जी हैं आए हुए, इनसे भी बहुत आशा, और हम लोग जानते हैं कि ये जो कहते हैं वो कर भी देते हैं, तो इसलिए इनसे आशा तो मिला है। और जिन्होंने कहा कि भाई मैं जाकर के देखता हूँ और इसको मैं तुरंत लागू करूंगा इस चीज को,
तो इससे हम लोग खुशी है। और चूंकि समय हम लोग के पास कम है, कार्य बहुत ज्यादा फील्ड में, मैंने हम लोग के ऑफिस में रहता है, आने में हम लोग ये तो धरना प्रदर्शन करने वाले हैं नहीं, एक दिन का काम दूसरे दिन करना पड़ता है, इसलिए हमने यह भी अनुरोध किया कि धरना प्रदर्शन रोज रोज घूमेंगे नहीं सर, आप ऐसा करें कि, तो बोले कि नहीं ठीक है मैं जाता हूं, मैं अपने काम को करता हूं, आप अपना काम को करें, ये इसलिए खुश है। जब मंत्री जी से मिल रही थी तो कि घर चलाना मुश्किल हो रहा है। हाँ, अभी बहुत, चूंकि विगत पिछले वित्तीय वर्ष का, यह भी चालू वित्तीय वर्ष में आवंटन नहीं प्राप्त होने के कारण हम लोगों को काफी कठिनाई, आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री इरफान अंसारी से कितनी उम्मीद? अभी तो पूरा उम्मीद है, जब तक इनकी सरकार है उम्मीद लगा ही रखेंगे। देखिए यहाँ पर डीआरडीए कर्मी आपको नजर आ रहे होंगे जो झारखंड के अलग अलग जिलों से पहुंचे हुए हैं, और ये आज अपनी मांगों को लेकर गुहार लगाने के लिए मंत्री इरफान अंसारी के आवास पर पहुंचे हुए थे, जहां इरफान अंसारी ने इनसे मुलाकात भी की और इन्हें आश्वासन भी दिया। आगे जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।